हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस जान कैसे आप लोग यू गाइस आर वेजर एब्सोल्युटली फाइन। आज हम बात करेंगे जो क्रिप्टो या टोकन आपने परचेज कर रखा है उसको आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए या शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहिए ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे सामने आया हम ये क्वेश्चन क्यों आया हमारे सामने इसके बारे में ही बात करेंगे उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दें डिस्कलेमर यह है कि आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई आपसे ये बोलता है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो वो हम लोग नहीं है वो स्कैमर्स हैं उनसे बच के रहना टेलीग्राम में भी हम कहीं पे अवेलेबल नहीं है वी जस्ट हैव वन टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसके अलावा हम कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वन ऑन वन बात नहीं करते हैं आप लोगों से ना ही हम कभी पैसा मांगते हैं आपसे ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना बिकॉज़ क्रिप्टो करेंसी में स्कैमर्स बहुत सारे हैं तो जो नया इन्वेस्टर आता है इन क्रिप्टो करेंसी वो इस मोड से आता है कि मैं थोड़े से पैसे डालूंगा इन क्रिप्टो करेंसी एंड मैं रातों रात, रात लखपति या करोड़पति हो जाऊंगा क्योंकि वो उसने स्टोरी सुन रखी है कहीं ना कहीं उसके कोई दोस्त यार या रिलेटिव जिन्होंने थोड़े से क्रिप्टो परचेज़ करे थे वो उसको बताते हैं कि हमने यार इतना पैसा डाला था ये इतना पैसा हो गया हमारे साथ भी यही हुआ है हमने कार्डानो एडीएम में कुछ पैसे डाले थे एंड वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसने हमें बना के दिया था इन दी पास्ट अभी भी जो हमने परचेज कर रखे हैं कार्डानो एडिया वो अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सेल कर रहे हैं अब होता क्या है आपको दोनों साइड ऑफ़ दी स्टोरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों साइड ऑफ़ द स्टोरी ये है जब कार्डानो एडिया हमने परचेज़ करा था या शिबा जब हमने परचेज करा था तो हमने करा था बहुत कम लेवल में जब उसका प्राइस बहुत कम था कार्डानो की अगर हम बात करें तो वन रुपीज सेवेंटी फाइव या टू रुपीज़ के आसपास हमने उसको परचेज़ करा था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा था वो बीच में दस रुपये भी गया हमने एक बार सोचा कि दस रुपये में इसको सेल आउट कर देते हैं बट हमने नहीं करा फिर वो बारह रुपये पंद्रह रुपये ऐसे करके वो बढ़ता रहा 33, 35 के रेंज में जब वो आया वो उसने थोड़ा सा होल्ड करा वहाँ पे तब माइंड में आया कि नहीं अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा इसको सेल आउट कर देना चाहिए तब भी हमने उसको सेल आउट नहीं करा फिर वो इंक्रीज़ होते होते अराउंड 68 एट टू सेवेंटी टू में काफ़ी टाइम घूम रहा था बट तब तक होल्ड करना एक अलग सी बात होती है कई ऐसे इन्वेस्टर आते हैं जो क्रिप्टो में पैसा डालते हैं वो जब ये देखते हैं कि उनका पैसा डबल हो गया है या थ्री टाइम्स हो गया है या टेन टाइम्स हो गया तो वो सोचते हैं कि बस इसमें से पैसा निकाल लिया जाए वो होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अब हम किसी को बताते हैं कि हमने दो रुपये में कार्डानो परचेज करा था जो फर्स्ट लॉट था वो हमने दो रुपये में परचेज करा था एंड हमने सेल करा था एट सेवेंटी टू रुपीज तो लोगों को लगता है वाह ये कुछ चीज है जहां पे हमने इन्वेस्ट करना चाहिए हम अपनी तरफ से एकदम करेक्ट स्टोरी आपको बताते हैं जो आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं जो आपके रिलेटिव बता रहे हैं जो आपके दोस्त बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट स्टोरी आपको बताते हैं एंड वो आपको टाइम ड्यूरेशन भी बताते हैं मेरे साथ जो टाइम ड्यूरेशन लगा था फॉर कार्डानो वो लगा था अराउंड सिक्स टू सेवन मंथ्स टू गेट एड फ्रॉम टू रुपीज़ टू सेवेंटी टू रुपीज़ बट वो सेवन मंथ्स इतने ईजी नहीं थे जब हमने उसको इनिशियल परचेज करा था उसके बाद जैसे हमने आपको बताया कई बार माइंड में थॉट आया था कि इसको बेच देते हैं इसको बेच देते हैं बट हमने उसको सेल आउट नहीं करा था फाइनली हमने सेवेंटी टू रुपीज़ में उसको सेल आउट करा था फिर उसके बाद भी उसका प्राइस बढ़ता रहा फिर जब वो नीचे गिरा वापस एट अराउंड फिफ्टी रुपीज़ तब हमने उसको दोबारा लॉट परचेस कराए जो अभी हमने रख रखा है सुनने में स्टोरी बहुत अच्छी लगती है कि आपने दो रुपए का परचेज कराया आपने सेवेंटी टू रुपीज़ का सेल कराया तो ये स्टोरी सुन के काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ जाते हैं इन क्रिप्टो करेंसी एंड वो ये सोचते हैं कि अगर ये छः महीने में पैसा इतना सारा बना सकता है तो मैं भी छः महीने में पैसा काफ़ी बना सकता हूँ क्रिप्टो करेंसी फिर वो ढूंढते हैं लो कैप क्रिप्टोज कौन सा ऐसा क्रिप्टो है जिसका प्राइस सबसे कम चल रहा है फिर उनका खुलता है कैलकुलेटर कैलकुलेटर खोल के वो ये देखते हैं कि इसका प्राइस अगर इतना हो जाए तो कितना होगा कई ऐसी यूट्यूब वीडियोस है जो बताते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉइन का प्राइस इतना पहुंच सकता है एक पर्टिकुलर कॉइन का प्राइस इतना पहुंच सकता है हम लोग कभी भी प्राइस प्रिडिक्शन नहीं करते बट वो चीज़ कही कहीं ना कहीं मिसलीड कर देती है जो इन्वेस्टर्स आते हैं नए वो जाके देखते हैं जब वो रिसर्च करते हैं किसी भी क्रिप्टो में ऑन ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहाँ पर तो वो देखते हैं यार इसका तो प्राइस जो प्रिडिक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा है अगर हमने इसमें दस हजार भी डाले तो ये आगे जाके हमें अराउंड टेन लाख रुपीज दे देगा ऐसा प्राइस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ तो लोग क्या करते हैं उसमें पैसा डाल देते हैं एंड प्राइस प्रिडिक्शन जो लोग करते हैं इन सोशल मीडिया वो करते हैं एकदम रैंडम मैंने अगर कोई टोकन परचेज कर रखा है मैं उस टोकन के बारे में बहुत बोलिश हूं तो मैं कहीं पे जाके उसकी प्राइस प्रिडिक्शन कर दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंगली ये दिसंबर तक इतने का हो जाना चाहिए या जनवरी तक इतने का हो जाना चाहिए विदाउट इवन लुकिंग इनटू कि उसमें डेवलपमेंट क्या होने वाली है ऐसा क्यों होगा लोग वो क्वेश्चन नहीं पूछते अगर आप ट्विटर यूज करते हैं आप ट्विटर में जो भी आपने क्रिप्टोज परचेज कर रखे उसका जाके आप देखिए वहां पर सपोज आपने वी आर ए परचेज कर रखा है या एडीए परचेज कर रखा है तो आप ट्विटर में जब सर्च करते हैं वी आर ए प्राइस प्रिडिक्शन तो आपको ऐसी ऐसी प्राइस प्रडिक्शन दिखेगी कि बाय डिफॉल्ट उसके बाद आपका कैलकुलेटर खुलेगा एंड कैलकुलेटर बंद होने के साथ साथ आपके सपने शुरू हो जाएंगे ये सबके साथ होता है जो भी नए इन्वेस्टर आता है एंड जिनको पता नहीं होता रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी उसके साथ ये होता है द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज के डेट में मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलिटाइल है मार्केट कभी ग्रीन में कभी रेड में हमें नज़र आ रही है मोस्ट ऑफ द टाइम रेड में नजर आ रही है तो ये सोचना कि हम शॉर्ट टर्म होल्ड करेंगे इज अ रॉन्ग थिंग शॉर्ट टर्म होल्ड में कभी आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा बिटकॉइन भी जब इंक्रीज हुआ था इनिशियली वो इंक्रीज हुआ था आफ्टर मेनी इयर्स काफी टाइम तक लोगों को बिटकॉइन पे भरोसा नहीं था काफी टाइम तक अभी भी लोगों को कई ऐसे क्रिप्टोज हैं जिस पे तो उनको भरोसा नहीं है कई ऐसे टोकन है तो उनको भरोसा नहीं है कि ये शायद इतना पहुंच सकते हैं बट जैसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी हो सकता है आई अग्री करेंसी में कुछ भी हो सकता है बट आपने उसके लिए टाइम देना पड़ेगा यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग ये नहीं कि आपने उसका डबल हुआ तो आपने बेच दिया अगर आप डबल के लिए ही खेल रहे हो तो बाय एनी ऑफ टॉप हंड्रेड क्रिप्टो करेंसी वो कहीं ना कहीं आपको डबल बना के आपको पैसा दे देंगे बट अगर आप अच्छे से खेल रहे हो आप लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है बिटकॉइन जब राइस हुआ था आई स्टिल रिमेंबर मेरे भाई के पास थोड़े से बिटकॉइन थे उसने वो बेचे थे जैसे ही उसका प्राइस डबल हुआ था एंड आफ्टर दैट उसने अपना सर पकड़ के वो बैठा हुआ था कि यार मैंने और होल्ड क्यों नहीं करे आपने अगर कोई भी क्रिप्टो या टोकन में आपने अपनी रिसर्च कर रखी है उसके बाद उसको परचेज कर रखा है तो आप वो देखो कि उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली उसमें डेवलपमेंट कब तक चल रही है 2022, 2023, 24 डोंट लुक इन टू द प्राइस प्रोडिक्शन हम लोग काफ़ी गलती ये है करते हैं कि यूट्यूब में सीधा लिखते हैं कि इस कॉइन का प्राइस प्रोडिक्शन क्या है एंड हम वो वीडियोस देखने लग जाते हैं एंड वी गेट सो इंगेज इन दैट वीडियो कि हम सोचते हैं बस इसके बाद कैलकुलेटर खुले उसके बाद अच्छे से नींद आ जाए हमें वी डू नॉट लुक इन टू द यूटिलिटी ऑफ़ द टोकन वी डोंट लुक इन टू द फंडामेंटल्स ऑफ द टोकन वो हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनफैक्ट जो भी हम क्रिप्टोज परचेज करते हैं हम सबसे पहले कोशिश ये है करते हैं कि उसके फंडामेंटल देखें उसका क्या रोड मैप है वो देखें आगे जाके उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है वो सारी चीज़ें देखें बट लोग ये नहीं करते लोग आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि मैंने आज की डेट में सपोज दस हज़ार रुपये डाले एंड मैं वो पैसा बार बार देखता रहता हूँ आफ्टर एवरी फाइव मिनट्स बाई डिफॉल्ट हम लोगों का कॉइन जी को या सी खुलता है एंड उसमें हम प्राइस देखना स्टार्ट कर देते हैं उस क्रिप्टो का कितना चल रहा है अगर तो वो नेगेटिव साइड जा रहा होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं पैनिक हो रहते हैं हम लोग सोचते हैं यार क्रिप्टो वैसी लोग बोलते हैं बहुत वॉलेटाइल है अगर ये नीचे गिरा तो बहुत नीचे गिर सकता है तो इसको बेच देते हैं कई ऐसे लोग हैं एंड ये फैक्ट है ये एक सर्वे हुआ था उसमें आया था कि कई ऐसे लोग हैं जो नर्वस सेलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं वो परचेस करते हैं थोड़ा सा भी नीचे आता है वो सेल आउट कर देते हैं वो बोलते हैं यार ये तो नेगेटिव जा रहा है कई ऐसे लोग भी हैं जो परचेज़ करके उसको साइड में रख देते हैं एंड वो लोग होते हैं जो आगे जाके बहुत अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं आप लोग एंड ऐसा ही करना चाहिए आपने जो क्रिप्टो परचेज कर रखा है उसका जब आप टाइम टारगेट एंड प्राइस टारगेट आप डिसाइड करके परचेज़ करते हो उसे तो उससे पहले उसको मत देखो आपका प्राइस टारगेट पहले अचीव नहीं हो सकता है अगर आपने पूरी रिसर्च कर रखी है तो उसका प्राइस टारगेट तभी अचीव होगा जब आप बोल रहे हो कि वो अचीव होना चाहिए उससे पहले उसके अचीव होने के चांसेज बहुत कम होते हैं या यू शुड लुक इनटू टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट क्रिप्टो यू शुड लुक इनटू टू द प्राइस बट वो होना चाहिए हफ्ते में एक बार या दो दिन में एक बार उससे ज़्यादा अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कहीं ना कहीं आप नर्वस सेलिंग आप भी करोगे कहीं ना कहीं आप जल्दी अपना क्रिप्टो निकाल दोगे ये गलती मत करिएगा इन क्रिप्टो करेंसी ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि जो हमने क्रिप्टोज परचेज कर रखें आज के डेट में वो नेगेटिव चल रहे हैं हम बेच दें क्या उन्हें यार जब आपने क्रिप्टो परचेज करा था तब आपका प्राइस क्या था आपका टेंटेटिव प्राइस क्या था आपका टारगेट प्राइस क्या था आपका टारगेट टाइम क्या था वो आप फिर से देखो वो आप रिविजिट करो एंड हम हमेशा बोलते हैं क्रिप्टो में उतना ही पैसा डालो जितना कि वो जीरो हो जाए तो आपकी लाइफ में कोई चेंज ना हो अगर आपने उतना ही पैसा डाला है तो देर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिंग क्रिप्टोज ऑन नेगेटिव आप उसको बेटर यह है कि मैं मेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में शिबा चाहे मेरे पास है शिबा आज की डेट में जीरो हो जाए चलेगा बट शिबा को मैं तभी सेल करूंगा जब मेरा टाइम टारगेट एंड प्राइस टारगेट मीट होगा उससे पहले मैं उसको सेल नहीं करूंगा एंड दैट इज़ अ फैक्ट आप लोगों ने भी ऐसे ही करना चाहिए अगर आपने पैसे कम डाले हैं इन क्रिप्टो करेंसी एंड आपको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो आपने उसको नहीं देखना जब तक आपका प्राइस टारगेट एंड टाइम टारगेट मीट नहीं हो जाता आपने अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी रिसर्च के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप कोई डिसीजन ले सकते हो फिर भी आपको लगता है कि आपने वो क्रिप्टो निकाल देने चाहिए तो आपकी कॉल है मेरा मकसद यही था ये वीडियो बनाने का बिकॉज काफ़ी नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे जो हम सब पूछते हैं सर कौन सा क्रिप्टो परचेस करें यार आप अपनी रिसर्च करके ही कोई क्रिप्टो परचेस करो एंड कितने टाइम के लिए परचेस करें तो आप अपना टाइम टारगेट डिसाइड करो विद दैट सेट गाइज आज का वीडियो करते हैं एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर करना सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर चैनल यू नेक्स्ट टाइम ओके बाय